अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना उस प्रदेश को। तो कल सोने चांदी में काफी अच्छी बाइंग नजर आई, आज क्या करें, खरीदारी करके चले वहां पर? जी गुड मॉर्निंग पूजा। कल गोल्ड ने काफी अच्छा सस्टेन करा था और सिल्वर में एक फॉल आया था, और देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर रेशियो एक बार फिर से स्ट्रांग हुआ। और आज के दिन में मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड एक करेक्शन ले रहा है और फिर मार्केट जो है थोड़ा नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन जो है वो गोल्ड में आ सकता है। एक लेवल है जिसपे आने पे इसके बाद ही यहाँ पे सेलिंग स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, ये है 71,650। यहाँ पे एक सेलिंग स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए गोल्ड में और टारगेट होना चाहिए 71,400। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,775 का। थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हम आता हुआ देख सकते हैं आज के दिन गोल्ड में, तो मेरे ख्याल से सेलिंग साइड में रहना चाहिए। और गोल्ड एक बार पूजा अगर 71,500 से नीचे जाती है ये कमोडिटी, तो एक बार 71,000 तक के लेवल्स को भी आता हुआ हम देख सकते हैं। एक करेक्शन मुझे लग रहा है इस हफ्ते गोल्ड में आता हुआ, और इनफैक्ट आना चाहिए अगर गोल्ड में डेटा, अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा यूएस से इम्प्रूव होके आ गया तो। हाँ बिल्कुल, तो सोने में थोड़ा करेक्शन आ सकता है इस हफ्ते, और थोड़ी कंडीशनल कॉल है अभी 71,772 के पास कारोबार कर रहा है, थोड़ा और नीचे आए 71,650 तो वहां पर बिकवाली करके चलिए आप 71,400 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 71,775 का वंदना यहाँ पर देख रही है। कच्चे तेल में वंदना जी काफी तेजी देखने को मिली, $86 के पास के लेवल्स हमने देखे ब्रेंट में, क्या रणनीति होगी आपकी कच्चे तेल में? कच्चे तेल में काफी एक अपसाइड आया, 6200 से उठ के ये कमोडिटी 6800 के करीब आई है। आज के दिन में एक मार्जिनल एक डाउनसाइड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शुरुआती थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, 6800 के करीब ये कमोडिटी आ सकती है एमसीएक्स में, लेकिन बाइंग साइड में ही रहना चाहिए। 6800 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, जो टारगेट होगा वो 6860 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6780 का, क्योंकि हरिकेन सीजन अप्रोचिंग है, तो एक और ट्रिगर एक पॉजिटिव मिल सकता है इस काउंटर को थोड़ा और अपसाइड देखने के लिए। और मुझे लग रहा है कि डिमांड साइड जो है अभी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटैक्ट नहीं है, तो थोड़ा एक बढ़त आएगा 6900 6950, उसके बाद एक पॉज आता हुआ देख सकते हैं हम क्रूड ऑयल में। तो शॉर्ट टर्म में तेजी है, और अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे मिड टर्म में जाएं तो 7000 के करीब यहाँ पे फिर से ये कमोडिटी रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है। ओके ठीक है, तो ये है नजरिया कच्चे तेल पर। वंदना थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। क्विकली एक बार नेचुरल गैस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी वंदना ने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की थी, 230 के पास मिले तब यहाँ पर नेचुरल गैस में बाइक की रणनीति अपनाइए, 242 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 225 का, ये है रणनीति नेचुरल गैस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बंधन बैंक को लेकर।